हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और एकदम अच्छे तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कि जैसे कि आप लोगों मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि टीम अइब्सा एग्जाम सीरीज लेके आई है। इस एग्जाम सीरीज के अंदर हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं या फिर आने वाले होंगे। तो बेटा, इसके साथ साथ हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, या फिर आ सकते हैं, रियली आ सकते हैं। ऐसे टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल टीम अभी सब बच्चे आपको जरा भी टाइम जाया नहीं करने वाली है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, टीम की अभिषा की पूरी पूरी ऑफलाइन की जो बेस्ट फैकल्टी है वो आप लोगों को बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सारे कंटेंट डिलीवर करने के लिए तैयार है। तो आपके भैया सिर्फ आपको दो काम करने हैं। पहला काम बच्चा, आप लोग को एकदम जी फाड़ मेहनत करनी है, एकदम जो है हार्डवर्क करना है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चे, आप लोग का क्या करना है, अगर जिन बच्चे कोई जो है जो हमारे कंटेंट है, ठीक है, हमारे जो वीडियो से अगर समझ में आ रही होगी, ठीक है, फील कर रहे होगे, मजा आ रहा होगा, तो वो बच्चे क्या करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जो है जो जिन टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत आ रही होगी ऐसे टॉपिक को मेंशन कीजिएगा बच्चे, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमको जो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम और किन टॉपिक के ऊपर, किन सब्जेक्ट के ऊपर जो है वीडियो ला पाएंगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बच्चे, हम जो कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, उस रसायन विज्ञान के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चा ठोस अवस्था, वो ठोस अवस्था कर रहे थे। उस ठोस अवस्था में बच्चे अभी तक हम लोग चार लेक्चर कर चुके हैं। ये जो है होने वाला बेटा, ये पांचवा लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर, ठीक है, हम ठोस अवस्था पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। इसके लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही हल्का होने वाला है। कहने का मतलब ये, इसको अगर पढ़ लिए भैया आपको चार नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, बहुत इजी, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूं तो कौन से चैप्टर है, कौन से टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे सर, तो हम यहाँ पे एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चे। पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक, बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अर्धचालक क्या होता है सर, एन प्रकार क्या होगा, पी प्रकार क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये सारे कंफ्यूजन आपके जो है दूर होने वाले प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ठोस की बात करूं तो ठोस बच्चे क्या होते हैं, इसको तीन कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है चालक, जो कि बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि चालक क्या होती है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो चालक होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो अचालक होता है, कुचालक होता है, इंसुलेटर बोलते हैं उसी को ही, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे बेटा, सबसे पहले बात करूं तो वो होता है चालक, दूसरा होता है अचालक, और तीसरा जो होता है बेटा जो हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर वो होता है अर्धचालक। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ आया फंडा, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात, जिसमें जो है विद्युत का प्रवाह हो जाता है वो हमारा चालक होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो हमारा क्या होता है बेटा, अचालक होता है, कुचालक जिसे मन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, अचालक के एग्जाम्पल भैया प्लास्टिक, रबड़, ऐसे जो होता है तो जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो, अब चालक की अगर मैं बात करूं तो चालक के अंदर क्या होता है सर, लोहा Fe, आयरन जिसे अपन बोलते हैं, कॉपर Cu, ठीक है, वहां से भी क्या होता है बेटा, कॉपर जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा और किफायती और क्या होता है पदार्थ होता है, जिसे विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। इसलिए आप फैन में क्या देखते हो, पंखा जो देखते हो ना, उस पंखे के अंदर वाइंडिंग जो होती है क्या होती है, कॉपर की वाइंडिंग या फिर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग। तो कॉपर की वाइंडिंग जो आप लोग ज्यादा प्रीफर करते हो, ठीक है, उसके पीछे का रीजन ये होता है कि कॉपर में विद्युत धारा का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, ठीक है बच्चे। तो इसी तरीके होता है, इसी तरीके से अपन बोलेंगे कि चालक क्या होती है, अचालक क्या होता है। और इस टॉपिक के अंदर हमको जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो बेटा क्या होना है, अर्धचालक होने वाला है। अर्धचालक में मैं पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अगर मैं एग्जाम्पल की, बेस्ट एग्जाम्पल की बात कर दूं बच्चे, तो बेस्ट एग्जाम्पल की बात करूंगा तो वो हो गया जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिर्फ आप ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना, जर्मेनियम और सिलिकॉन, होते तो बहुत सारे लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। क्यों याद कीजिए, क्योंकि आप जो फोन यूज कर रहे हो, जो ये वीडियो देख रहे हो, जिस फोन से वीडियो देख रहे हो उसमें भी जो चिपसेट लगा हुआ है वो जो है इसी अर्धचालक से बना हुआ होता है। जो हम जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो जो कैमरे में जो वो लगा होगा, जो मास्टर बोर्ड लगा होगा, ठीक है, मदर बोर्ड लगा, वो भी पूरा चिपसेट बच्चा क्या होगा, वो पूरा चिपसेट जो है अर्धचालक से बना होगा। ये जो स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है ये स्मार्ट भी अर्धचालक से मिलकर बना होता है, अर्धचालक से बना होता है, ठीक है। इसके सारे प्रोसेसर्स होते हैं अर्धचालक से बने होते हैं, सारे चिपसेट जो होते हैं बच्चे, जो आपको अभी के जनरेशन में जो चिपसेट दिखते हैं, ठीक है, वो सारे अर्धचालक से ही बनते हैं, क्लियर बच्चे। इसलिए हमारे लिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके जीके के लेवल पे बोलूं या फिर जो है आपके सिलेबस के लेवल पे बोलूं, इसलिए बच्चे ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अर्धचालक क्या होता है सर, अर्धचालक का डेफिनेशन तो एटलीस्ट मेरे को बता दो। तो बच्चे ध्यान से देखो, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें चालकता का गुण भी होता है और अचालकता का भी गुण भी होता है, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है या फिर प्रवाह नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, अर्धचालक बोलेंगे। दोनों प्रवृत्ति वो रखते हैं, क्लियर बात सारे बच्चों को। अगर इसकी चालकता की गुण की बात करूं तो इसका जो रेशियो होता है 10 to the power -6 से लेकर भैया 10 to the power 4
ठीक है, 10^-6 से लेकर 10^4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। क्या बच्चे? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये यूनिट है हमारे, ठीक है, के बीच में होता है, के मध्य में होता है। अगर इसको मैं ग्रुप की बात करूं पीरियोडिक टेबल में, बच्चे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कौन से ऐसे ग्रुप है सर, सॉरी कौन से ऐसे वर्ग हैं, ग्रुप नहीं, कौन से ऐसे वर्ग हैं, ठीक है, जो अर्धचालक के ग्रुप की डिसाइड करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर बेटा 14 जो होगा, ठीक है, ग्रुप नंबर जो 14 होगा वो हमारे क्या होने वाले, अर्धचालक के ग्रुप होते हैं। सबसे पहले आप अगर बात करूं बेटा कार्बन, जैसे हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, कार्बन फैमिली, कार्बन जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर कार्बन में बात करूं तो इसको पढ़ने का तरीका क्या, और बेटा काशी, इसको अपन दोनों बोलेंगे काशी, इसको बोलेंगे जर्मनी, काशी जर्मनी, क्या बोलेंगे बच्चे, सुन्न पड़े, काशी जर्मनी सुन्न पड़े, ठीक है, आपको ये याद रखना है, काशी जर्मनी सुन्न पड़े, काशी जर्मनी सुन्न पड़े, ये अगर ये याद कर लिए तो ग्रुप नंबर 14 इजी याद होगा, सारे बच्चों को क्लियर है, मजा आया। अब देखो ग्रुप नंबर 14 की बात कर दिया, अगर मैं उसकी जो है टाइप्स की बात करूं तो ये दो तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले भैया नैज अर्धचालक बात करेंगे, क्या नैज अर्धचालक। अब नैज अर्धचालक समझने के लिए आपको जो है एक सिंपल सा जो है डायग्राम बना के बताता हूं, जो एग्जांपल लेके बताता हूं, ध्यान समझना मजा आएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, नैज अर्धचालक समझना है, अगर इसमें थोड़ा सा भी, नैज अर्धचालक ऐसे जो अर्धचालक होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वहां से जो विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है। अगर देखो, अगर मेरे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन है हमारा सबसे बेस्ट क्या होता है भैया अर्धचालक, सिलिकॉन होता है सर, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन पे, ठीक है, इस सिलिकॉन पे, इस सिलिकॉन पे वापस मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ अच्छे से, और ठीक है, वेट वेट वेट, ठीक है। अब देखो इस सिलिकॉन पे, अब सपोज करो कि भैया ये सिलिकॉन मेरे पास रखा हुआ है, इस सिलिकॉन के जो है पीस के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा भी ठीक है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देता हूँ, क्या दूंगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देता हूँ, तापमान को बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा भी तापमान बढ़ाने पर इसमें से सिलिकॉन का पूरा जो सेट है बेटा, जो जाल लिख रहा है आपको, ठीक है, वहां से विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, विद्युत धारा का प्रवाह स्टार्ट होना जो है स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन देखते हैं। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, समझना सारी चीजों को। अब बच्चे देखो, अब ये जो सिलिकॉन होता है सर, सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो वैलेंसी होती है वो चार होती है, क्या होती है, चार, मतलब चार बंध बनाता है, सिंपल सी बात है, चार बंध बनाएगा, कौन कौन से बंध भैया, ऊपर में एक बंध, दो तीन और ये चार, ये भी नीचे से चार बनाएगा भैया, एक दो तीन चार, ठीक है। अब चार बंध तो बना रहे हैं, चार बंध बना रहे हैं, टेट्रावेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अब चार बंध जो बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा भी हीट देगा, ठीक है, और ये बंध जो है कौन से होते हैं, एक बात याद रखना, ये जो बंध होते हैं सहसंयोजी बंध होते हैं, सहसंयोजी, सहसंयोजी बंध होते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं होता भैया इनमें, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या फिर एक्सेप्टेंशन नहीं होता इधर, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसलिए यहाँ पे सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये जो है बॉन्ड बना हुआ है तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है हमको पता है बचपन में पढ़े हुए हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, सहसंयोजी बंध जो होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है। अब जब ये कमजोर होगा तो थोड़ा सा हीट मिलेगा इस बॉन्ड को, ठीक है, थोड़ा सा इस बॉन्ड में हम थोड़ा सा हीट देंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या होगा सर, ये बॉन्ड जो है टूट जाएगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यहां पे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, कहीं भी रैंडम, कहीं भी अंडरसाउंड घूमेंगे भैया, क्या करेंगे, घूमते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा इस जाल पे, ठीक है, इस जो है क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन घूमने के पीछे क्या होता है बच्चे, विद्युत धारा का प्रभाव होता है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन की बातें मैं बता दूं, बचपन, ठीक है, बचपन की यादें मैं बता दूं कि बचपन में आपने क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत धारा का प्रवाह करना है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना है, सॉरी विद्युत धारा का प्रवाह चाहिए, विद्युत धारा का प्रवाह चाहिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चे, एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त आवेश ही होगा, तभी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है पॉसिबल होता है। अगर बच्चे आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझना, ठीक है, एक ध्यान समझना, बहुत अच्छा एग्जांपल बच्चे यहां पे देखना, अगर मैं बच्चे क्या करूं, एक NaCl लूं, सोडियम क्लोराइड लूं, सोडियम क्लोराइड का सॉलिड का फॉर्मेशन की बात करूं, अगर सॉलिड फॉर्म की बात करूं तो इनके बीच में क्या होता है सर, NaCl में, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि NaCl में क्या होता है, आयोनिक फॉर्मेशन होता है, आयोनिक फॉर्मेशन होता है, आयोनिक फॉर्मेशन को तोड़ने में मेरे को ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसका जो बॉन्ड होता है बच्चे बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रांग होती है सर, बिल्कुल बच्चे स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसी जो है NaCl को, इसी NaCl को तोड़ने में मेरे को ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसी NaCl के एक्वस की मैं बात करूं, अगर मैं एक्वस की बात करूं तो यहां से मेरे को फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री होते हैं,
ठीक है। तो यहां पर अब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, क्लियर सारे बच्चों को। अब मेरे को आपको जो है ये बताना है कि भैया NaCl जो स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धारा का प्रवाह हो पाएगा कि भैया NaCl एक्वस में से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। सारे बच्चे क्लियर हो गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो बच्चे ध्यान सुनना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इसमें सारे बॉन्डेशन होंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, इसमें एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस की बात कर रहा हूं, जली विलयन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब और देखो कि भैया NaCl यहां पे जो है जली विलयन जो था वहां से फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है विद्युत धारा का प्रवाह पॉसिबल होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चे क्या होगा, यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, इस सिलिकॉन के जो क्रिस्टल है वहां से विद्युत धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है। पहली बात, ठीक है, पहली बात सारे बच्चों को समझ आई। अब दूसरी बात के ऊपर चलते हैं, दूसरी बात, ठीक है। बाह्य अर्धचालक की अगर मैं बात करूं, बाह्य अर्धचालक, इसी को हम बच्चे हम लोग शुद्ध अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है, नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, इसी को हम अपद्रव अर्धचालक भी बोलते हैं, अपद्रवी, ठीक है। जो बाह्य अर्धचालक है इसको हम अपद्रवी अर्धचालक भी बोलते हैं, अपद्रवी अर्धचालक, जो बाहर से आए हैं उपद्रव करने, ऐसे अर्धचालक को हम अपद्रवी अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, क्लियर सारे बच्चों को। अब देखो हमारे पास जो ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि भैया सिंपल सी बात है, ठीक है, हम जो बेस किसको लेके चलेंगे, ग्रुप नंबर 14 को, क्योंकि यही जो हमारे क्या है सेमीकंडक्टर वाले, सॉरी सेमीकंडक्टर बोल सकता हूं, या फिर हाँ अर्धचालक वाले जो ऐसे एलिमेंट इसी ग्रुप में पाए जाते हैं, ग्रुप नंबर 14 जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, क्लियर सही बात, ठीक है। अब देखो इस ग्रुप और ग्रुप 14 में अगर मैं ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट जो है डाल दूं, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट यहां पे जो है डाल दूं, ठीक है, तो इस तरीके जो प्रोसेस होता है, ठीक है, अब कोई भी मैं चीज डालूं तो वो क्या होगा, अशुद्ध ही होगा। जिस प्रकार सपोज करो कि ये जो पूरा एलिमेंट है वो आपका सोना है, उस सोने में मैं कुछ भी चीज डाल दूं, ठीक है, कोई भी मेटल डाल दूं तो वो उसकी अशुद्धियां होगी ना, उसी प्रकार से बच्चे ये हमारे मेटल है, इस मेटल में कुछ भी चीजें मैं अलग से डालूं, कोई भी एलिमेंट डालूं तो वो क्या होगी, उसकी अशुद्धियां में काउंट होगी, ठीक है, अशुद्धियां हो जाएगी। तो वो अशुद्धियां जो ये जो अशुद्धियां ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट में ग्रुप नंबर 13 या फिर ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग। सारे बच्चों क्लियर है? लिखते जाना भैया, ठीक है, लिखते जाना। अब देखो ये तो हुई ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 की बात, ठीक है, इसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर देखो बच्चे डोपिंग किसको बोलेंगे, वर्ग 14 में ग्रुप नंबर 14 और 15 के, ठीक है, 14 नहीं 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अपन डोपिंग बोलते हैं। और ये बच्चा आपको एक नंबर में पूछा गया है, ठीक है, एक मार्क में पूछा गया है, ठीक है, ये जो है डोपिंग किसे बोलते हैं ये पूछा गया है, तो इसको नोट कीजिएगा। सारे बच्चे क्लियर है? अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ उदाहरण आपको दिख रहा होगा, ये जो है बच्चे डोपिंग का पूरा प्रोसेस होता है वो अर्धचालक बनाने में, एन प्रकार या फिर पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में, या फिर बच्चे क्या होता है डायोड का निर्माण करने में उपयोग में लाया जाता है। सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा, ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे कि ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज थी। पहली पॉसिबिलिटीज क्या थी कि 14 में 13 के तत्व मिला दें, पहली पॉसिबिलिटी। 14 के तो तत्व थे, ग्रुप नंबर 14 के तत्व, उसमें 15वें तत्व के, 15वें ग्रुप के एलिमेंट मिला दें, दो पॉसिबिलिटी। तो पहली पॉसिबिलिटी की पहली बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है, ग्रुप नंबर 14 में ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट अगर हम मिलाएंगे तो वो उसमें कौन सी प्रकार के अर्धचालक हमको मिलेंगे। तो ध्यान समझना बच्चे, ये हमारा जो सिलिकॉन का एक जाल है, एक क्रिस्टल है, इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर अगर मैं क्या कर दूं, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट मिला दूं, और ग्रुप नंबर 13 में कौन से एलिमेंट लूं, कौन से एलिमेंट, ये देखो बी, मैं बोरॉन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, बोरॉन। अब बोरॉन लूंगा तो बच्चे ध्यान से देखना, अब बोरॉन लूंगा तो बोरॉन क्या करेगा, अपना जगह बनाएगा इस तरीके से। तो यहां पे एक सिलिकॉन था, उसके जगह में क्या आ गया बच्चा, बोरॉन आ गया। अब बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है, यहां से देखना ध्यान से। जो एक और बात बताना भूल गया बच्चे, ये जो होती है ग्रुप नंबर 13 की, ये क्या बनाते हैं, तीन बंध बनाते हैं, ये जो होते हैं तीन बंध बनाते हैं, कितने बच्चे, तीन बंध बनाते हैं। और ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं, पांच बंध बनाते हैं, ठीक है, पेंटा बॉन्ड बनाते हैं, ये बच्चे ट्राई बॉन्ड बनाते हैं, ये जो होता है टेट्रा बॉन्ड, ठीक है, टेट्रा बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चों को क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से कि भैया ये बोरॉन जो है कितना बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब तीन इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग किया तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। लेकिन भैया जब हम देखें कि सिलिकॉन को कितने की जरूरत है, इस वाले बोरॉन की तो क्या वैलेंसी फुल्ड हो गई, इस वाले बोरॉन की जो है वैलेंसी तो फुल्ड हो गई, लेकिन इस सिलिकॉन को देखो, इस सिलिकॉन को चार इलेक्ट्रॉन की नीड है, उसको एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, दूसरा ये, तीसरा और ये चार, ठीक है, ये चार इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मिला था। लेकिन भैया इसके पास तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वो कैसे देगा,
ठीक है, दिक्कत का ही समझ है यहाँ पे। जो बोरॉन है उसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन है केवल, जो आखिरी सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तीन इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन को बॉन्ड बनाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन है इसके पास तीन ही, ठीक है। अब इसको जो है फिल करने के लिए, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से जो है नोट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस जो रेड कलर में जो यूज करूं ना, ये जो पूरा बच्चे ये क्या है, पूरा फील्ड है, सॉरी ये क्या है, खाली है, फील्ड नहीं भैया, खाली है ये, ठीक है। अब ये खाली है, अब इसको फील करने के लिए, भरने के लिए, ठीक है, इस खाली जगह को भरने के लिए यहां के जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर ट्रेवल करके आ जाएंगे। तो ये जगह तो फिल हो गया, ठीक है, ये जगह तो फिल हो गई। जब यहां के इलेक्ट्रॉन बच्चे इस वाले सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन यहां पे जब आए तो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो जगह था खाली जगह था, वो फिल हो गया। लेकिन यहां पे वापस से जो है खाली जगह बन गया, ठीक है, यहां पे फिर से वापस से खाली जगह बन गया। समझ आई सारे बच्चों को, ये जगह फिर वापस से खाली हो गया, ठीक है। अब इसको भरने के लिए यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे घूमने की, घूमते फिरते, चलो भैया मैं ये जगह भर देता हूं, तो ये जगह खाली हो गई, ठीक है, ये जगह भर गई तो ये जगह खाली हो गया। इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो क्रिस्टल होगा क्या करेगा, एक जगह को भरने के लिए, एक की कमी को पूरा करने के लिए उसके एक दूसरे जो है ऊपर आते लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन जो है देने लग जाएंगे। अब इस तरीके से पूरा का पूरा जब देखा जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ओवरऑल जब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पहली बात, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या याद रखनी है आपको, कि भैया ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ कैसे रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। जब उसके जो है एक पॉजिटिव चार्ज खींचेगा तभी तो आ पाएगा ना, तो हम ये ओवरऑल बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सेटअप में, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो जार दिख रहा है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या बच्चे, ये जो पूरा का पूरा जार है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज होगी पूरे के पूरे जो सेटअप है बच्चे, यहां पे क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं सिंपल बोल दूंगा कि यहां पे जो जो अर्धचालक होगी वो क्या होंगे, पी, पी मतलब पॉजिटिव, पी मतलब पॉजिटिव, क्या होगा बच्चा, पी प्रकार का अर्धचालक है। तो मैं बोल दूं पी प्रकार का ये जो सेटअप है अर्धचालक है, क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक है, सारे बच्चों को क्लियर है। तो मैं बोल दूंगा भैया ये जो पूरा पूरा क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्या है, पी प्रकार अर्धचालक कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा। अब क्यों कहलाएगा, इसके पीछे का रीजन अपन देख लिए, सारे बच्चों को क्लियर, मजा आया, फील कर पाएंगे ये सारी चीजें। अब हम एन प्रकार के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये पी प्रकार की बात हुई, अब मैं एन प्रकार की ओर बात करता हूं। एन प्रकार की बात करूं तो एन प्रकार में क्या होगा सर, ठीक है, एन प्रकार में क्या होने वाला है, ऐसे एन प्रकार में यहां पे मैं पॉजिटिव बात करें तो वहां पे क्या नेगेटिव होगा, बिल्कुल बच्चे नेगेटिव होगा, लेकिन कैसे होगा वो देखते हैं पहले, देखें, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होगी, चार होगी, बिल्कुल, यहां पे भी चार वैलेंसी, यहां पे भी चार वैलेंसी, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल चार वैलेंसी मेरे को पूरा जो सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब कोई दिक्कत नहीं था तो, लेकिन यहां पे एक बात आ जाती है, जब यहां पे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट डालते हैं, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट, अगर मैं फास्फोरस लेके आऊं, अगर फास्फोरस लेके आऊं बच्चे फास्फोरस, तो यहां पे जो है फास्फोरस आ जाएगा, फास्फोरस जिसे मैं पी से बोलता हूं, ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं फास्फोरस। अगर यहां पर फास्फोरस आया, ग्रुप नंबर जो 15 का जो एलिमेंट था वो फास्फोरस आया, तो फास्फोरस की जो वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है, पांच होती है, वो पांच बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है बच्चा, पांच बॉन्ड बनाता है, पहला बॉन्ड यहां से बना, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चार बॉन्ड बना, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एक और इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होता है। बहुत ज्यादा सिंपल, आपको फील समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पर, सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिनको समझ आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखो यहां पर भैया एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चार इलेक्ट्रॉन, लेकिन फास्फोरस के पास भैया पांचवा इलेक्ट्रॉन भी होता है सर, पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा तो पांचवा इलेक्ट्रॉन के जो है रखने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री होगा, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, मुक्त होगा। क्यों मुक्त होगा, क्योंकि इसको रखने के लिए, इसको बॉन्ड बनाने के लिए कोई और जो है साथी ही नहीं मिल पा रहा, ठीक है, समझे सारे बच्चों को। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का बच्चा क्या होगा, फ्री होता रहेगा, मुक्त जो है घूमता रहेगा इस जाल के अंदर, मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त रूप से घूमता रहेगा। और हमको ये पढ़े हुए हैं, अभी अभी हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो है इलेक्ट्रॉन के, सॉरी, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है सारे बच्चों के लिए। तो यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है हमको जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, यहां पे क्या मिले, फ्री इलेक्ट्रॉन, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। किसके लिए सर, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, सारे बच्चों को समझ आया, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए,
विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, ठीक है। ये यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसमें एन कैसे आया सर, इसमें नेगेटिव कैसे आया? तो आपको पता है बच्चे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज आता है। इसी नेगेटिव चार्ज के कारण बेटा हम इसको बोलेंगे एन प्रकार अर्धचालक। इसी नेगेटिव चार्ज के कारण बोलेंगे अपन एन प्रकार अर्धचालक। सारे बच्चों को क्लियर हुआ एन प्रकार जो है अर्धचालक कैसे होगा, इसमें कैसी चीजें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और यहाँ पे बेटा छिद्र होने के कारण, ठीक है, खाली जगह होने के कारण, रिक्ति होने के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बच्चे हम लोग जो है इस तरीके से पूरी की पूरी जो हमारे चैप्टर नंबर एक था ठोस अवस्था वो खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों को कुछ भी दिक्कत आ रही होगी इस चैप्टर नंबर से, कोई भी कंफ्यूजन होगा, या फिर जो है आने वाले किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो बच्चे क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कैसे आपको जो है ये वीडियोस ये हेल्प कर रही है कि नहीं हेल्प कर रही है, ठीक है। आने वाले दिनों में आपको कैसे वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक के अंदर आपको वीडियोस चाहने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो है यहाँ पे हमारी जो हेल्प कर सकते हैं, हमारे जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए बच्चे ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।